हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ग्रशॉफ लॉ ऑफ फोर वार चैन मैकेनिज्म। इससे पहले मैंने आपको फोर वार चैन मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, तो उसको देखिए, उसके बाद इसको आप देखिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसको समझते हैं। जैसा कि फोर वार चैन मैकेनिज्म जो था, उसके फंडे हमारे पास आ गए थे, तो फिर एक साइंटिस्ट था ग्रशॉफ, जिसने अपने अकॉर्डिंग एक इक्वेशन दी और उसने बताया कि इस इक्वेशन को अगर आप फोर वार चैन मैकेनिज्म के अंदर रखोगे तो आप तब जाके आप एक अच्छे जो है मैकेनिज्म बना पाओगे जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, मतलब फोर वार चैन मैकेनिज्म को अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे। तो उसने बोला क्या, उसने बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर वार चैन मैकेनिज्म द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन सम ऑफ रिमेनिंग टू लेंथ। जैसा कि यहाँ पर एक लेंथ जो है ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक मींस, इसमें अगर ये फोर वार चैन मैकेनिज्म है तो एस जो है ये क्रैंक, ये शॉर्टेस्ट लिंक होगा और ये लॉन्गेस्ट लिंक होगा, और अदर दो जो रिमेनिंग लिंक होंगी ये होगी पी एंड ये होगा क्यू। इसको बोलते हैं फ्रेम और इसको बोलते हैं रॉकर एंड लीवर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एक इक्वेशन थी, एस प्लस एल इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू। ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं है, वो बोल रहा है शुड नॉट ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये सेटिस्फाई नहीं है, मतलब उसने बोला अगर ऐसा होगा तो ये मैकेनिज्म सही नहीं है, ये मैकेनिज्म प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एस प्लस एल इज लेस देन एंड इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसका ये मतलब अगर इसको मैं इसमें रखूँ तो ये S मतलब क्रैंक, L मतलब ये आपकी लॉन्गेस्ट लिंक कपलिंग रॉड, P ये वाला हो गया जिसको रॉकर एंड लीवर, ये वाला हो गया फ्रेम, और Q हो गया ये। तो इसमें इसने बोला इन दोनों का जो समीशन है, इसका और इसका समीशन जैसे कि अगर 90 है तो ये हमेशा कम आना चाहिए और इन दोनों का समीशन 100 इस टाइप से आना, तभी जाके ये जो है फोर वार चैन मैकेनिज्म बेस्ट एंड सूटेबल है। उसने इस टाइप से इसको बता दिया और अपने अकॉर्डिंग उसने अपने लॉ के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये फोर वार चैन मैकेनिज्म है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें ये क्रैंक होता है छोटी लिंक, बड़ी लिंक होती है कपलिंग रॉड, ये होती है आपकी कौन सी रॉकर एंड लीवर, और इसको हम बोलते हैं क्या फ्रेम। ठीक है, तो इसमें जनरली ये कैसे फंक्शनिंग करता है, ये किस हिसाब से ये जो है आपका वर्क करता है, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे इसका 360 डिग्री रोटेशन होता है और ये इसका कैसे लीनियर मोशन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इस हिसाब से ये फंक्शनिंग करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है 360 डिग्री छोटी लिंक रोटेट हो रही है और वहाँ पर आपको सिर्फ ऑक्सीलेशन मोशन मिलता है, तो उसको हम जो है दूसरी तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं ये इसको। तो होप आपको इस वीडियो की मदद से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ये जो मैकेनिज्म, इसमें भी तीन केस होंगे। केस फर्स्ट में क्या होगा इसके अंदर अगर हम बात करें, तो केस फर्स्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, केस फर्स्ट के अंदर सिंपली ये होगा कि ये जो आपकी लिंक है ना, इस लिंक के अंदर अगर हम ये जो S लिंक है, शॉर्टेस्ट लिंक है, इसको अगर मैं फिक्स कर दूँ, S को अगर हम फिक्स कर दें तो ये हो गया हमारा कपलिंग, ये हो गया इधर वाला, ठीक है, और ये हो गया ये, ठीक है, ये हमारा मतलब S को मैंने फिक्स कर दिया, इसके ऊपर ये L था, इसके साथ में ये Q है और ये P है। तो इसमें ये क्या बन जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे, S को फिक्स कर दें तो हमारे पास एक इसका इन्वर्जन आएगा, उस इन्वर्जन को हम बोलेंगे क्या, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं डबल क्रैंक मैकेनिज्म, जो कि लोकोमोटिव में हम यूज़ करते हैं। अभी इन्वर्जन मैं बताऊंगा फोर वार चैन मैकेनिज्म के, लेकिन इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डबल क्रैंक बोलेंगे। ये क्वेश्चन जनरली वाइवा में पूछा जाता है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, गेट की बात करूँ या IAS की बात करूँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसमें जनरली ये बेस्ट पोजीशन होती है, इस टाइप से भी पूछता है कौन सी बेस्ट पोजीशन होगी। तो जब हम S को फिक्स करेंगे और हमें डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे बेस्ट पोजीशन। ठीक है, अगर इसका मैं एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ तो एग्जांपल भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल क्रैंक मैकेनिज्म में होगा क्या, ये इस टाइप से ये S हम फिक्स कर रहे हैं तो ये हमें पूरा 360 डिग्री रोटेशन दे रहा है, मतलब डबल क्रैंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रैंक जो है वो 360 डिग्री दे रहा है, हमने क्रैंक को ही फिक्स कर दिया लेकिन बाकी लीवर और जो बाकी रिमेनिंग जो लिंक बची वो हमें 360 डिग्री रोटेशन दे रही है, तो वो क्रैंक बन गई है, तो इसलिए हम इन्हें बोलेंगे डबल क्रैंक मैकेनिज्म। दूसरा जो होगा, दूसरे को हम बोलेंगे केस टू में क्या होगा, केस टू में अगर मैं बात करूँ तो जो फोर लिंक है, मतलब ये केस टू हमारा यही है ऊपर वाला जो दिया है, मतलब इसके अंदर क्या है, ये S जो है वो एडजस्टेंट है,
एडजस्टेंट लिंक है ना, मतलब इसी को हम एस को ही क्या कर रहे हैं, मोशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आपकी बड़ी लिंक, ये छोटी लिंक, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये 360 डिग्री घूमेगी क्रैंक और ये आपको क्या करेगी, ऑक्सीलेशन मोशन देगी। तो इसको बोलते हैं क्रैंक एंड रॉकर, क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रैंक 360 डिग्री रोटेट हो रहा है और रॉकर पे हमें मैकेनिज्म वो मिल रहा है, मोशन आउटपुट मिल रहा है, तो इसलिए इसे क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म, जो कि एक यही केस हो गया। एक दूसरा केस हो गया एस फिक्स कर दिया, एक में हमने नीचे फ्रेम को फिक्स किया और एस को हमने एडजस्टेंट किया। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ी टफ चीज़ है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, वीडियो की मदद से ही बता रहा हूँ। केस थ्री, केस थ्री के अंदर क्या होगा, केस थ्री के अंदर की अगर हम बात करें, तो केस थ्री में अगर मैं बात करूँगा तो केस थ्री के अंदर जनरली क्या होगा, इसके अंदर जो ये जो लिंक है, क्रैंक जो है, क्रैंक के सामने वाली लिंक जो है, फ्रंट ऑफ द स्मॉल लिंक, स्मॉल लिंक के जो सामने है, अगर उसको हम फिक्स कर दें ये वाली लिंक को, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ये हमारा बड़ा पोर्शन, ऊपर छोटी आ जाएगी और ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से मोशन करेगा और ये इस टाइप से मोशन प्रोवाइड करेगा और इसको आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डबल रॉकर, ये डबल रॉकर बन जाएगा, इसको बोलेंगे डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म इसको बोलेंगे। इसका भी मैं वीडियो आपको एक दिखा देता हूँ। डबल रॉकर मैकेनिज्म के अंदर जनरली होगा क्या, इस टाइप से ये फंक्शनिंग करेगा, हमने इस फिक्स को, इस लिंक को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया रॉकर वाली को, तो इस हिसाब से ये मोशन देगा, ये ऊपर देख पा रहे हो आप, तो ये होगा हमारा डबल रॉकर मैकेनिज्म, जो कि है हमारी बैड पोजिशन होती है, सही पोजिशन नहीं होती, ये दोनों पोजिशन हमारी सही होती हैं। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ये आपका कंटेंट गेट की तैयारी के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। इन क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।